नमस्कार दोस्तों मैं राजेश कोद्रे एक बार आप सभी का एम के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आज हम यहां सी के पी में यहां पर हम लोग आठ आठ दो हजार हमारे पास जो है बावीस का यहां पर प्रश्न पत्र है जो कि पी ग्रुप का है शिफ्ट नंबर सेकंड का है और सब्जेक्ट हमारा है केमिस्ट्री का तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सभी पी वाई क्यू यहाँ पर सॉल्यूशन देखा और आप इसका बड़ी मात्रा में लाभ उठा रहे हैं उसी कड़ी को हम यहाँ पर आज आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट एक्स एंड वाई द एलिमेंट वाई फॉर्म्स सी सी पी एंड एटम एक्स ऑक्यूपाई वन थर्ड ऑक्टाहाइड्रल बॉइड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा हम उसको लिख कर एक्स वाई के वैल्यू के साथ बहुत इजीली अपने कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं कैसे तो देखें तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्स एलिमेंट और यहाँ पर लिख देते हैं वाई ठीक हमारा एक सेटम वाइड के अंदर है, और ये कितना है? वन थर्ड है ठीक और हमारा वाय एलिमेंट सी, सी के लिए है तो अब हम जानते हैं कि सी, सी के लिए नंबर ऑफ एटम कितना होता है फोर और हमारे पास जो सी, सी का नंबर ऑफ एटम है उतना ही क्या उसका ऑक्टाहाइड्रल बॉइड भी होता है तो ये भी हो गया हमारे पास फोर अगर टेट्राहाइड्रल बॉइड होता तो जस्ट क्या नंबर ऑफ एटम का डबल माना जाता है ठीक अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको फोर बाई थ्री लिख देते हैं और यहाँ पर फोर बाई वन लिख देते हैं ठीक अब हम चाहें तो इसको यहाँ पर सिंपल कर सकते हैं या चाहे तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो यहां पर फोर हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा ट्वेल्व अब इसको आप और चाहो तो सरल कर लो यहां पर वन और यहाँ पर थ्री क्लियर तो हमारे पास एक्स क्या हो गया वन और वाई क्या हो गया थ्री तो हमारे पास इसका सिंपल जो फॉर्मूला बनता है वो है एक्स वाई थ्री ठीक जो कि हमारा डी आंसर में मिल रहा है ठीक अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है एक बार फिर से सॉलिड स्टेट से है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर तो मैं आपको बता देता हूं हमारे पास दो तरह का सॉलिड है एक क्रिस्टली और एक अक्रिस्टली ठीक एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है एमोर्फस सॉलिड ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टली सॉलिड है यह विषम होता है सर विषम देश मतलब जिसकी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में जो कि क्या हम एक्स वाई जेड बोलते हैं यहाँ हमारे पास क्या ऑल डायरेक्शन के लिए डिफरेंट हो तो इसे बोला जाता है विषम देसिक और अगर हमारे पास किसी सॉलिड के लिए उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑल डायरेक्शन में क्या हो सेम तो क्या हो जाएगा सम और डिफरेंट हो तो क्या हो जाएगा विषम देशिक तो हमारे पास जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है जितने भी क्या है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड वे सब विषम देशिक है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बट कोई एमॉर्फा सॉलिड है तो उसके लिए हमारी ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है अर्थात हम उसे समदेशिक कहते हैं तो हमारे पास आइज ZNS और सिलिकॉन कार्बाइड ये सब क्रिस्टली सॉलिड है मतलब ये सब विषम देशिक है बट कांच हमारा सॉलिड है और ये जो होता है वह हमारा किस नेचर का होता है समदेशिक होता है क्लियर तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बी होने वाला है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन एक द कॉलम क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए सही मेच देना है तो हमारे पास हेलो व्युत्पन्न है जिनका हमें क्या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर प्रोडक्ट बनाना है तो आइए जल्दी से देखें तो हमारे पास है टू क्लोरो ब्यूटेन अब टू क्लोरो ब्यूटेन का हम लोग यहाँ पर क्या जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से हमारा क्या अलग हो जाता है हेलोजन और इसकी जगह पर क्या हम ओ OH एच लगा देते हैं अर्थात अगर मैं इसके लिए प्रोडक्ट बनाऊं तो सिंपल यहां से आपका जली क्योएच OH लिया जाएगा और जली क्योएच OH से हम लोग क्या यहां से पोटेशियम से हेलोजन को अलग कर यहां पर इस पोजीशन पर ओएच OH लगा कर क्या एक एल्कोहल फॉर्म करा देते हैं तो ये बन गया हमारा टू ब्यूटेनॉल सेम रिएक्शन क्या वन क्लोरोब्यूटेन पर होगी यहाँ पर हमारा हेलोजन पहले कार्बन पर है तो आप एक बार पुनः क्या जली ओएच लेंगे और जली से से लेंगे तो आपका फिर से हेलोजन इस मेटल से अलग हो जाएगा और ओएच फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा इन द सेंस आपका यहाँ पर वन ब्यूटेनॉल हो जाएगा तो आपका बी का वन ब्यूटेनॉल हो चुका है और आपका थर्ड टू ब्यूटेनॉल हो चुका है अब आते हैं हम यहां पर जेम वन वन डाइक्लोरो और जेम टू टू, टू डाइक्लोरो के लिए तो मैं इसकी रिएक्शन आपको करके दिखाता हूं यहां पर तो देखेंगे हम लोग इसकी रिएक्शन को यहां पर जल्दी से ताकि अपने को किस तरीके से प्रोडक्ट मिले समझ में आए तो हमारे पास यहां पर जेम के लिए क्या एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन ग्रुप हो लाइक like इस तरह से क्लियर अब यहाँ पर हमने जली की ओएच की रिएक्शन कराई तो हमारा एक बार पुनः क्या ये दोनों हमारे हेलोजन को मेटल से अलग कर यहाँ पर एक डायोल फॉर्म किया जाएगा और ये जो डायोल है एक ही कार्बन पर दो एज का आना अनस्टेबल होता है यहाँ से आपको वाटर मिलेगा और वाटर से आप निकाल कर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाओगे वो एक एल्डिहाइड होगा तो हमारे पास जब रिएक्शन में जेम वन वन डायक्लोरो ब्यूटेन आएगा तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ब्यूटेनॉल सेम यही अगर हम लोग क्या इसका टू टू ब्यूटेन लें तो देखेंगे यहाँ पर टू टू के साथ हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पर एक बार फिर से हमने जली क्योज लिया ये दोनों हेलोजन हटाया और यहाँ पर एक बार फिर से टू टू डायोल बनाया यहाँ पर एक कार्बन पर दो एज का होना अस्थायी रूप होता है यहाँ से वाटर अलग होगा और आपको मिलेगा ब्यूटे नॉन क्या मिल जाएगा ब्यूटे नॉन तो अब आपका मैच एकदम मिल चुका है चेक कर लेते हैं यहाँ पर ए का क्या होने वाला थर्ड तो ए का थर्ड तीन ऑप्शन में दिख रहा है बी के लिए क्या होने वाला है फर्स्ट तो बी का फर्स्ट मेरे ख्याल से केवल ए ही ऑप्शन में है तो आगे इसको चेक कर लीजिएगा बिल्कुल आपका सही मैच आपको मिलेगा तो सिंपल सा हम जब भी जली ओएच लेते हैं तो हेलोजन को पोटेशियम से अलग कर ओएच लगाना है अगर हमारे पास ये डाई फॉर्म में है तो आपको आगे वाटर मॉलिक्यूल भी निकालना है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा एकल प्रतिस्थापी एनिलीन देगा तो भाई एनिलीन हमारे पास बेंजीन रिंग पर क्या इस तरीके से एनएस टू लगा दे तो एनिलीन हो जाएगा ये जो हमारा एनएस टू ग्रुप है ये एक प्रबल सक्रियणकारी सक्रियणकारी समूह होता है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग क्या हमारा ग्रुप है इसकी प्रेजेंस में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पेरा अर्थो आल पोजिशन पर क्या सब्सटिट्यूशन देता है बट अगर मैं इसकी रिएक्शन यहां पर एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से करा दू तो यहां पर मेरे पास एसिटिनलाइड बन जाएगा क्या बन जाएगा एसिटीनलाइड यहां से एक एच और यहां से सी एस थ्री सीओ क्या एसिटिक एसिड हमको अलग कर यहाँ पर एन एच सीओ सी एस थ्री बन जाएगा इसको हम बोलते हैं एसिटेनालाइड और यहाँ पर ये यह जो एसिटेनालाइड है एसी टी ये हमारा क्या इतना अधिक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है ये केवल हमें सिंगल पोजिशन पर या कहें कि मोनो सब्सटीट्यूटिंग क्या प्रोडक्ट देगा तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो है वो है एसिटिक एनहाइड्राइड अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है व्हाट हैपंस व्हेन 10 एमएल ऑफ एथेनॉल मिक्स्ड विद 10 एमएल ऑफ एसीटोन ठीक तो इन दोनों का 10 एमएल मिलाकर हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किस तरह का सॉल्यूशन होगा ठीक तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि जब हम 10 ml क्या ले रहे हैं यहां पर एथेनॉल, ठीक है और 10 ml क्या ले रहे हैं तो यहां पर हमारा ये दोनों का जो मिक्सचर है एथेनॉल प्लस एसिड का ये हमारा पॉजिटिव विचलन अर्थात राउल्ट लॉ का एक अनादर्श विलियन होता है जिसमें हम लोग क्या पॉजिटिव डेविएशन देखते हैं ठीक है पॉजिटिव डेविएशन मतलब सर हमारे पास जो भी वेपर प्रेशर है उससे अधिक वेपर प्रेशर क्या इन दोनों को मिक्स कराता है और ऐसा जो भी विलयन करता है क्या वो हमारे लिए अनादर्श का धनात्मक विचलन होता है और यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर निकाले गए वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है इसका मतलब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं पहले से कम जो हमारे पास थियोरिटिकल वैल्यू है उनसे ज्यादा क्या ऑब्जर्व वैल्यू वेपर प्रेशर के लिए आती है बट बॉइलिंग पॉइंट कम आता है मतलब इन दोनों को मिक्स करने पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या आई है कमी क्लियर और हम स्थिर कौंथी या एजियोट्रॉपिक मिक्सर किसको कहते हैं भाई जहां पर हम कुछ निश्चित अनुपात में दो विलियनों को मिलाकर उनका मिश्रण बनाते हैं और ऐसा कर जब दोनों ही किसी एक निश्चित ताप से बॉयल होने लगे वो हो सकता है उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो या अधिक हो ऐसे मिश्रण को स्थिर कौंथी मिश्रण कहते हैं ये हमारे पास दो तरह का होता है एक होता है निम्न कौन थी एक होता है उच्च कौन थी निम्न कौन थी मतलब अपने टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर मिक्स करने पर बॉईल होने लगे और उच्च कौन थी मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर से बॉइल हो मिक्स करने पर मिक्सिंग कह रहा हूं मिक्सिंग के बाद की ये घटना है ठीक है तो हमें जितने भी पॉजिटिव डेविएशन हमारे विलियनों के मिक्सचर है वो सब निम्न कौन मिश्रण के रूप में मिलते हैं क्योंकि वहाँ बॉइलिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है तो हमारे पास इसका आंसर बहुत सिंपल सा बन चुका है ये हमारा एक कैसा कौन मिश्रण है निम्न कौन मिश्रण है अपने से कम ताप वाले ताप से क्या ये बॉयल होने लगेगा तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो है बी है ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से हमारा मेज द कॉलम है इसमें हमें क्या ऑब्जर्व लाइट से इमिटेड लाइट वाला क्या यहाँ पर कलर दिखाना है तो इसको हम लोगों ने कक्षा के अंदर भी एक बहुत सिंपल से ट्रिक से सीखा है हम एक व्हील बनाते हैं और व्हील में ऑब्जर्व्ड कलर का क्या कॉम्प्लीमेंट्री इमिटेड कलर हमको मिलेगा ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर क्या हमने पी बी जी जिसको पबजी बोला था और यहां पर पी के साथ वी भी लिख सकते हैं है ना पर्पल और वायलेट यहां पर लिखा था हमने रॉय ठीक अब हमको ये बताया गया था कि जो भी हम कलर एब्जॉर्ब करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या इमिट होगा अगर ये ऑब्जर्वड है तो ये इमिटेड है अगर ये ऑब्जर्व होता तो ये इमिटेड होता तो यहाँ पर ये ऑब्जर्ब हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा इमिटेड ये हमारा ऑब्जॉर्ब है तो ये हमारा क्या हो जाएगा इमिटेड ठीक तो इस तरीके से इस व्हील की मदद से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो येलो कलर हमारा क्या है एब्जॉर्बड है तो हमारे पास अब हमको क्या यहाँ पर इमिशन किस कलर के लिए मिलेगा तो आप चेक कर सकते हो येलो के लिए क्या हमारा वायलेट होने वाला है तो येलो के लिए वायलेट आपको दो ही ऑप्शन में मिलेगा आप आगे बढ़ सकते हो फिर आपके पास है ब्लू तो ब्लू के लिए क्या हमारे पास यहाँ पर ऑरेंज क्या हो रहा है येलो तो ये हो गया हमारा येलो का क्या यहाँ पर वॉयलेट और यहाँ पर हमारे पास नीला का क्या होने वाला है भाई साहब यहाँ पर येलो अब रेड है तो रेड के लिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रीन नहीं है तो हमें क्या उसका हल्का डार्किस ब्लू पर जाना पड़ेगा और ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन यह है ब्लू ग्रीन तो ब्लू ग्रीन के लिए आपको क्या यहाँ ऑरेंज रेड मिलेगा तो ये आपका सही मैच है तो आप इसको चेक कर सकते हैं आपको ए ऑप्शन में पूरा कंप्लीट इसी तरीके से मिलेगा जो कि द कॉलम दिया है बट यहां ध्यान रखना कई बार कंप्लीट इस व्हील के अकॉर्डिंग कलर नहीं आता तो फिर आपको इसमें से जो करेक्ट मिलाव है उसको मिलाकर क्या आपको बचे ऑप्शन को चेक करना है ठीक तो अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन चैप्टर से है हमारे पास जो है गैसों की द्रवों में विलयता को समझाने के लिए एक का नियम दिया गया इस नियम से बताया गया कि किसी भी गैस के ऊपर जितना ज़्यादा दाब आरोपित होगा गैस के जो द्रव के अंदर का मूल प्रभाज है क्या वो हमारे पास उतना ज़्यादा होगा अर्थात गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी यहाँ पर हम ये समानुपाती हटाकर एक कांस्टेंट लगाते हैं केच जो कि हमारा क्या हेनरी स्थिरांक होता है और हेनरी स्थिरांक जो है वो गैसों की जो प्रकृति है विलायक की प्रकृति और टेम्परेचर इन तीन चीजों से अफेक्ट होता है हमारे पास टेम्परेचर जितना हम वहां पर गैसों के लिए बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा केच वैल्यू बढ़ेगा और केच वैल्यू जितना बढ़ेगा हमारी गैसों की द्रवों में विलयता उतनी कम आएगी तो अब हम इस क्वेश्चन में जो बात कर रहे हैं कि दिए गए दाब पर हेनरी नियम स्थिरांक का मान है ना तो ओ टू के लिए क्या चेंज देगा तो ताप में वृद्धि के साथ बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ताप वृद्धि के साथ कम होता है तो हेनरी नियम स्थिरांक का जो मान है वो ताप के साथ समानुपाती है तो बढ़ेगा यहां पर घटने वाला नहीं है ताप पर निर्भर नहीं करता यह भी गलत स्टेटमेंट है ताप में कमी के साथ बढ़ता है बिल्कुल गलत है मतलब सिंपल सा आपको एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर केच समानुपाती होता है टेम्परेचर का और केच यहाँ पर इन्वर्सली रिलेशन होता है गैस की सॉल्युबिलिटी का बस इतना सा आपको याद रखना इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केज बढ़ेगा और केज बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी है ना तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अनुसार क्या इसके लिए करेक्ट आंसर है अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन काइनेटिक स्टडी ऑफ प्लॉट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वेरियस टाइम इज स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप द रिएक्शन फॉलो बाय तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को क्या एक रिजेक्टेड क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में देखे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर है मतलब इसके दो सही आंसर है इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या यहाँ पर एग्ज़ाम में रिजेक्टेड फॉर्म में देखे हैं बट अगर इसका सही आंसर पर आते हैं तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच ऋणात्मक ढाल वाली त्रिजु रेखा होती है तो ये हमारे पास अगर हम शून्य कोटि की बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन बनती है यहाँ पर ए टी बराबर ए जीरो माइन एटी कंसंट्रेशन ए जीरो कंसंट्रेशन माइनस के टी क्लियर ये टी टाइम पर हमारे अभिकारक का कंसंट्रेशन है ये जीरो टाइम पर हमारे अभिकारक का कंसंट्रेशन ये रेट कांस्टेंट ये हमारा चेंज में लगा समय अगर मैं इसको वाई एम एक्स ग्राफ पर डालता हूँ तो ये हमारे पास क्या इसकी इक्वेशन होती है जिसके लिए हम ग्राफ बनाएं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका जो स्लोप है वो माइनस के होगा अर्थात एक ढलान ग्राफ होगा यहाँ इंटरसेप्ट हमारा क्या ए नॉट कंसनट्रेशन और वाई एक्सेस पर ए टी कंसनट्रेशन होगा और हमारा एक्स एक्सेस पर टाइम होगा तो ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए है अगर इसी को हम प्रथम कोटि के लिए बात करते हैं तो प्रथम कोटी के लिए हमारा एल एन ए टी एल एन ए नॉट और यहाँ पर माइनस ए टी एक बार फिर से हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव है यहाँ पर टी आएगा ये हमारा एल एन ए जीरो और यहाँ पर एल एन ए टी इस तरीके से आएगा मतलब यहां पर भी हमारा जो ग्राफ है क्या वो ढलान वाला है अभिकारक के टाइम के कंसंट्रेशन के साथ वाला तो इसके करेक्ट आंसर दो है इसलिए इस क्वेश्चन को हम रिजेक्टेड फॉर्म में देखे हैं अगला क्वेश्चन देखें तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जब दो विलियनों को एक अर्धपार्गम में झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है तब उनके बीच कोई परासरण नहीं होता क्योंकि दिए गए ताप पर इन दोनों विलियन का परासरण दाब समान होता है तो ऐसे दो विलियन जिनका ऑस्मेटिक जो प्रेशर है परासरण दाब है समान है क्या हमारे लिए समपरासरी होंगे और इनके बीच आप अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दोगे तो कोई भी विलियन किसी भी तरह फ्लो नहीं करेगा ठीक तो हमारे पास इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जब परासरण दाब हो तो ऐसे दोनों विलियन आपस में क्या कहलाते हैं संपरासरी बट एक का अधिक हो एक का कम तो अधिक वाला अतिपरासरी होगा हाइपरटोनिक होगा और कम वाला अल्पपरासरी हाइपोटोनिक होगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर वेन ऑन सरफेस ऑफ इन और हमें इनका सही कथन देखना है तो भाई चारकोल पर गैस की सांद्रता बढ़ जाएगी बिल्कुल बढ़ जाएगी मान लो ये चारकोल है अब इस चारकोल पर हमने क्या यहाँ पर गैस का एड्जॉर्प्शन कराया है तो गैस की क्या सांद्रता बढ़ जाएगी बंद पात्र में गैस का दाव कम हो जाता है बिल्कुल बंद पात्र में गैस अपना प्रेशर क्या यहां पर कम होने लगता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गैस के लिए लिमिट अमाउंट होता है और गैस अपनी एनर्जी क्या लगातार कंटेनर को देकर अपने प्रेशर को कम करा देती है तो यहाँ पर हमारे पास बी बी करेक्ट है गैस की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है ये गलत स्टेटमेंट है प्रक्रिया अनुत्क्रमणी होती है बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी गलत है तो हमारे पास जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए एंड बी है क्लियर अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ हमारे पास जो है वो एक बार फिर से मेज द कॉलम है आइए मेज कर लेते हैं रबर तो रवर हमारा एक प्रकृतिक क्या यहाँ पर हम बात करें तो प्रकृतिक बहुलक है ठीक यहाँ पर हम लोग बात करते हैं घनत्व लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या एक शाखित बहुलक होता है ठीक ये हमारा पॉलीथीन का क्या एक शाखित पॉलीमर है ब्यूना एस ब्यूना एस जो है हमारा संश्लेषित बहुलक है सेल्यूलोज नाइट्रेट ये हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक है सेल्युलट हो सेल्यूलोज एसिटेट हो सेल्यूलोज नाइट्रेट हो ये सब हमारे अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं ठीक तो इसका यह हमारा सही मेज है तो चेक कर लेते हैं ए का थर्ड ए का थर्ड मुझे केवल बी ऑप्शन में दिख रहा है बी का फोर्थ आगे मेज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं सीधा आंसर हमको चमकने लगा है अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है जंग होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक सबसे सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं तो हमारा जंग का फॉर्मूला होता है एफी टू ओ थ्री डॉट एक्स एस टू ओ हमारा फे जल योजित फेरिक ऑक्स फेरिक ऑक्साइड जो है क्या जंग फॉर्मूला होता है ठीक तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या हमारे लिए जंग है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी ठीक अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आइए देखते हैं एक बार फिर से कॉलम है ये दैनिक जीवन में के ऊपर कुछ औषधियां हैं जो अलग अलग रोगों के लिए उपयोग में लाई जाती है तो हमारे पास पहला है पेनिसिलिन ये हमारा सबसे पहला क्या खोजा गया एंटीबायोटिक है तो यहाँ पर हमारे पास पेनिसिलिन का यहाँ एंटी माइक्रोबियल प्रति सूक्ष्म जीव आएगा ठीक हमारे पास इक्वेनिल इक्वेनिल हमारे पास एक क्या दिमाग को शांत करने वाली क्या प्रशांतक औषधि होती है रेनीटिडीन क्या विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक प्रति अम्ल मेडिसिन होती है और यहाँ पर ओ पी एड्स जो कि हमारा पीड़ा हरी दर्द निवारक औषधि होती है तो करेक्ट मैच हमारे पास आ चुका है चेक कर लेते हैं ए का थर्ड ए का थर्ड तीन ऑप्शन में दिख रहा है बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सी का फर्स्ट एंड डी का आ जाएगा हमारे पास सेकेंड क्लियर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास वह योगिक जो अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति धातु आदि के दोष के लिए हमें प्राप्त होता है तो हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो जब हम इसको हीट कराते हैं तो यहां से हमारा जिंक टू प्लस और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हमें गैस के रूप में अलग होकर प्राप्त होती है जिससे हमारे पास जो सॉलिड है उसमें मेटल एक्सेस में आ जाता है ठीक और इस तरीके से हमारे पास अतिरिक्त धन धातु आदि के दोष होता है क्योंकि ऑक्सीजन क्या यहां से गैस के रूप में अलग हो जाता है तो इसका सिंपल सा हमारा आंसर है वो क्या है ZnO ठीक अगला हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक तो बहुत फेमस एक मेडिसिन है जिसका नाम है एस्प्रिन जो कि हमारी रक्त वाहिकाओं में थक्का नहीं बनने में मदद करती है मतलब रक्त का थक्का नहीं बनेगा रक्त का थक्का देरी से बनेगा जिससे हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं ऐसी मेडिसिन है एस्प्रिन एसेटिल सेलिसिलिक अम्ल इसका केमिकल नेम होता है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे पास एक मेज द कॉलम क्वेश्चन है ठीक जो कि मेटलर्जी से लिया गया है ये सारी पॉइंट हम लोग कक्षा के अंदर डिस्कस कर चुके हैं तो इसके मेज को मिलाते हैं मिस धातु मिस मेटल क्या होती है तो हम सब जानते हैं लेंथेनाइट धातु का आयरन के साथ मिक्सर क्या हमारा मिस धातु होता है तो एक सेकेंड मेरे ख्याल से आप आगे आप इस मेज को नहीं भी मिलाएंगे तो आपका आंसर चमकने लगा है तो आप ध्यान से देखेंगे तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा अपन बाकी मेज को भी मिला लेते हैं लेंथेनाइट लेंथेनोप्रोइड ऑक्साइड जिनका हम लोग यूज जनरली कांच ग्लास के रूप बनाने में करते हैं वो चश्मे या टेलीविजन के पर्दे जैसी चीजों के लिए उपयोग में लेते हैं ठीक अब हमारे पास लेंथेनाइडो का मिश्रित ऑक्साइड तो इसका यूज पेट्रोलियम के भंजन में कराया जाता है और लास्ट है प्रोमिथियम ये मानव द्वारा संश्लेषित कर बनाया गया प्रथम रेडियोधर्मी हमारे लिए क्या तत्व होता है जो कि के सीरीज में आता है तो मानव मेड क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कि क्या हमारे लिए डी का थर्ड होने वाला है तो हमने जो आंसर डिसाइड किया था क्या वही एकदम हमारा करेक्ट है तो अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है मैथमेटिकली फॉर एन यहां पर जो है इनफाइनाइटली स्मॉल dt इंस्टेंटेनियस रेट इज गिवन एस गणितीय रूप में अनंत सूक्ष्म dt के लिए ताक्षणिक वेग को निम्नलिखित में किस प्रकार व्यक्त करते हैं तो ताक्षणिक वेग मतलब हमारा जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो अर्थात किसी बिंदु विशेष पर हमारी रिएक्शन रेट को हम देख रहे हो इसे हम ताक्षणिक वेग कहते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर चेंज को क्या डी एक्स वाई डी टी से शो करते हैं बट अगर टाइम इंटरवल बड़ा हो तो हम क्या डेल्टा यहां पर कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा टी लेकर काम करते हैं तो इतना है हमारा एक औसत अभिक्रिया वेग और ताक्षणिक अभिक्रिया वेग में औसत अभिक्रिया वेग के लिए परिवर्तन का टाइम इंटरवल बड़ा होता है बट यहाँ पर चेंज के लिए टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन में सभी में डेल्टा का चेंज मिला है जो कि हमारा औसत अभिक्रिया वेग के लिए होता है एक ही ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर हमें डीएक्स अपॉन डी टी के फॉर्म में क्या चेंज को दिया गया है तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो है वो सी है अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है वे सभी डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी डोमेनों का क्रम बना रहता है ऐसा होता है तो भाई हमारे पास ऐसा कब होता है कि हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखें और वह स्थायी रूप से चुंबकीय हो जाए उस क्षेत्र को हटाने के बाद भी तो ऐसा हमारा कब होगा जब हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म या लोह चुंबकत्व होगा इस तरह के चुंबकत्व के लिए क्या स्थाई रूप से परिवर्तन होता है जिसके हमारे पास कई एग्जाम्पल है जैसे कि जेडेन है हमारे पास कॉपर है सीआर ओ टू है ये स्थाई रूप से चुंबक बन जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी ठीक तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है क्या वो बी होने वाला है अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं तो एस थ्री की क्षारकता होती है तो सिंपल अगर हम चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ फास्फोरस पर होगा बचा हुआ हमारा ऑक्सीजन के साथ हम OH बॉन्ड बनाएंगे और एक जो हमारा हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर डायरेक्ट फास्फोरस के साथ एड हो जाएगा ये हमारे पास फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें आयनित हाइड्रोजन हमारा दो ही है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से लगा है से लगे हाइड्रोजन को हम H+ के रूप में अलग नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमारे पास जो फास्फोरस अम्ल की क्या है क्षारकता वो है दो क्लियर और इसका एक आसान तरीका क्या है आपके पास फास्फोरस एसिड के लिए कह रहा हूं केवल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने भी हो माइनस वन करके क्या आप इसकी क्षारकता को बना सकते हैं ठीक ये केवल फास्फोरस एसिड पर ही अप्लाई होगा तो आप ऐसा भी करके आंसर ला सकते हैं अगला क्वेश्चन देखें हम तो अगला क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे पास क्या मेज द कॉलम है और ये जो है हेलो एल्केन का एनसीआरटी का फर्स्ट पेज पर लिखी हुई सारी बातों का क्वेश्चन है तो कहने का मतलब ये है कि हमें एन को 100 परसेंट फॉलो करना है पॉइंट को कवर करना है तो हमारा सारा सी का जितना प्रश्न आता है वो सारा बन जाएगा ठीक तो यहां पर क्लोरम्फीनिकॉल जो क्लोरीन युक्त हमारी क्या है सूक्ष्म जीवित जीवों द्वारा उत्पादित होती है जिसका यूज हम टाइफाइड के उपचार में करते हैं ठीक थाइरोक्सिन हमारे शरीर में उत्पन्न आयोडीन है जिसको हम क्या यहाँ पर जो गलकंड या कहें कि गाइटर रोग में यूज करते हैं संश्लेषित हेलोजन युक्त यौगिक जिसका उपयोग मलेरिया तो क्लोरोक्यून के लिए क्या हम यूज मलेरिया डिसीज के उपचार में कराते हैं ठीक तो क्लोरोम्फिनिकॉल का यूज़ टाइफाइड फीवर में और हमारे शरीर में जो आयोडीन युक्त हार्मोन है वो है थायरॉक्सीन जिससे हमें गलकंड नामक रोग को दूर कर क्या उसका उपचार कराया जाता है फ्रय के लिए हमारे पास क्या होता है रिएक्शन में हम एल्किल फ्लोराइड तैयार करते हैं जो कि हमारे क्या फ्लोरो व्युत्पन्न है एल्केन के ठीक तो यहाँ इसका सही मैच हमारे पास इस क्वेश्चन का ये है चेक कर लेते हैं एका हमारे पास थर्ड जो कि हमारे पास दो ही ऑप्शन में है बी का हमारा सेकेंड जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में है बाकी आप सी का भी चेक करेंगे तो फर्स्ट सही है डी का भी फोर्थ अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कार्बोनिल समूह में कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध ध्रुवित होता है इसका कारण तो बहुत सिंपल सा कारण है भाई कार्बोनिल यौगिक में कार्बन डबल बॉन्ड पोलर क्यों है तो हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या अधिक होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का क्या, है, अंतर जिसके ये बंद क्या हो रहा है पोलर ठीक तो इसका करेक्ट आंसर जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन ठीक अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है तो देखें यहां पर हमें क्या इनर्ट मॉलिक्यूल जिनॉन के दिए गए हैं जिनका हमें सही सेब का मिलान करना है तो हम क्यों ना फटाफट इसके पेयर पता कर ले तो पेयर पता करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला क्या है वन बाई टू हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनो एटम माइनस केटाइन प्लस एनाइन ठीक बॉन्ड पेयर कैसा निकालते हैं जो भी साइड एटम है नंबर ऑफ काउंट कर लो साइड एटम का नंबर ऑफ साइड एटम और लोन पेयर कैसे निकालते हैं तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर को क्या माइनस कर हम निकाल सकते हैं तो यहां पर देखें तो सबसे पहले हमारा जीनॉन क्या डाइफ्लोराइड है तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर आप देखेंगे तो आठ दो दस दस बटे दो पांच आ गया बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो दो और लोन पेयर निकालेंगे तो तीन क्लियर अब सेकेंड की बात करू जिनॉन ट्राई की तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास आने वाला है चार बॉन्ड पेयर आने वाला तीन और लोन पेयर आने वाला एक जिनॉन टेट्राफ्लोराइड के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर आने वाला सिक्स और बॉन्ड पेयर आने वाला है फोर और लोन पेयर आने वाले हैं टू फिर हमारा जिनॉन ऑक्सोटेट्राफ्लोराइड इसका इलेक्ट्रॉन पेयर आने वाला छ बॉन्ड पेयर आने वाला पांच और लोन पेयर आने वाला एक क्लियर तो हमने सबका पेयर बता दिया अब हम इसका सेप डिसाइड करते हैं तो जब पांच इलेक्ट्रॉन पेयर में दो बॉन्ड पेयर तीन क्या हो लोन पेयर तो रेखी हो जाएगा अब इलेक्ट्रॉन पेयर चार और बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर एक तो पिरामिडल हो जाएगा बॉन्ड पेयर चार लोन पेयर दो तो वर्ग समतली हो जाएगा और इसी तरह पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर वर्ग पिरामिडी तो इस मैच को चेक कर लेते हैं हम लोग तो ए का करेक्ट आ रहा है थर्ड ए का करेक्ट आ रहा है थर्ड तो जो कि ए और बी में दिख रहा है बी का अगर हमारा मैच देखे तो बी के लिए हमारे पास आ रहा है फोर्थ जो कि ए ऑप्शन में है तो सारे सही हमारे मिलाव क्या ए के लिए करेक्ट है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर तो मैग्नेट और पर आयनों में क्रमशः एम एन का ऑक्सीकरण अवस्था तो हमारे पास जो के टू एम एन ओ फोर है ये हमारा क्या है मैग्नेट और यहाँ पर के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर मैग्नेट ठीक अगर मैं इसका टू के प्लस अलग करता हूँ तो यहाँ एम एन ओ फोर माइनस आता है ये हो गया हमारा मैग्नेट आयन और अगर यहाँ से के प्लस को अलग करते हैं तो एम एन ओ फोर माइनस ये हो गया पर मैगनेट आयन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मैग्नेट का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होगा और यहाँ पर अगर मैं परमैग्नेट का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आपको कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है है ना चेक कर लेते हैं इसको अपन फटाफट ये हो गया हमारे पास क्या परमैग्नेट का और ये मैग्नेट का अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहते हो तो एम का चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो चाहे तो यहाँ पर क्या हम लोग इसको इस स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप किसके लिए मैगनेट के लिए एम एन ओ फोर टू माइनस के लिए एम एन का एक्स मान लो ऑक्सीजन का माइनस टू इन टू क्या करा दो फोर इक्वल टू माइनस टू तो यहाँ पर माइनस टू इन प्लस क्या हो जाएगा एट तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस सिक्स ये हो गया आपका एम एन का ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए मैग्नेट के लिए अब पर की बात कर लेते हैं तो पर की बात करें तो पर में एम एन क्या है भाई माइनस तो मैं यहाँ पर एम का एक्स मान लेता हूँ माइनस टू ऑक्सीजन का इंटू फोर माइनस वन तो एक्स माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा बेटा एट तो एक्स बराबर प्लस सेवन ठीक तो हमारे पास मैग्नेट के लिए प्लस सिक्स और पर के लिए प्लस सेवन चाहे तो स्ट्रक्चर से भी आप निकाल सकते हो तो इसका करेक्ट आंसर है डी ठीक अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है बेरी -बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो हमारे पास बेरी बेरी रोग तंत्री का तंत्र से संबंधित रोग है जो विटामिन बी वन की कमी से होता है तो ये किसका रोग हो गया वी वन का अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास अगला है पॉलीस्टाइरीन उदाहरण है तो पॉलीस्टाइरीन भाई हमारा क्या स्टाइरीन का बहुलक होता है और यहाँ पर कई सारी एकलक इकाई मिलकर एक बृहद अणु के रूप में हमें क्या यहाँ पर इस पॉलीमर को निर्मित कर देती है तो हमारे पास क्या इसका सिंपल सा आंसर है पॉलीस्टाइरिन क्या है एक बृहद आणविक मेक्रोमोलिक्यूल कोलाइड होता है ठीक अगला अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सी एन एस थ्री का होल सिक्स थ्री प्लस एक हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसमें हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के नंबर देना है तो आइए अपन सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन क्या स्टेट बना लिया जाए तो यहाँ एक्स हमारा अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर कोई चार्ज नहीं तो x का हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आया प्लस थ्री मतलब हमारा कोबाल्ट प्लस थ्री स्टेट में क्या यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो मैं इसका अगर कॉन्फिग्रेशन लिखूँ कोबाल्ट का तो आर्गन फोर एस टू थ्री डी क्या होने वाला बेटा सेवन होने वाला है अब यहाँ पर थ्री इलेक्ट्रॉन के लिए फोर एस से एक जाएगा और ए डी से कितना जाएगा वन मतलब मेरे पास कोबाल्ट थ्री का क्या जो करेक्ट जो कॉन्फिग्रेशन है वो थ्री डी सिक्स फोर जीरो और फोर पी भी क्या है जीरो अब मैं इस डी के सिक्स इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लेता हूं तो मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लियर अब लीगेंड कैसा है तो भाई अमोनिया हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो क्या कराएगा पेयरिंग करा देगा इसकी इससे पेयरिंग करा देगा मतलब यहाँ पर हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं युग में पेयर्ड हो चुके हैं तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा अर्थात इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जीरो क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रभाव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर दिया जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारे पास है अभिक्रिया ए प्लस बी उत्पाद बना रही है ए और बी दोनों के प्रति प्रथम कोटि अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को छदम प्रथम कोटि बनाया जा सकता है तो भाई हमारे पास एक अभिक्रिया है जहाँ पर ए और बी दोनों के लिए क्या अभिक्रिया की कोटि है। ये हमारे पास एक अभिक्रिया है अगर हम इसमें से किसी भी अभिकारक के कंसंट्रेशन को अधिक्य में ले आए तो फिर हम उस व्यक्ति के लिए सांद्रता को क्या स्थिर देखकर उसकी अभिक्रिया की कोटि नहीं काउंट करते हैं क्लियर मैं क्या कह रहा हूं समझना कि दोनों अभिकारक में से जिसको आधिक्य में लिया गया है उसके लिए फिर हम अभिक्रिया की कोटि को मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि उसकी सांद्रता को हम स्थिर देखने लगते हैं ठीक तो यहां पर अब हमारे पास क्या केवल बी की जो सांद्रता की घात है वही अभिक्रिया की कोटि है अर्थात इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी है वन पर इसकी अनुसंख्यकता एक से क्या है अधिक मतलब अनुसंख्यकता एक से अधिक हो किंतु अभिक्रिया की कोटि क्या हो एक ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं तो हम यहां पर अभिकारक ए का आधिक्य में उपस्थिति लेकर क्या इस चेंज को करा सकते हैं ठीक अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा जली विलियन में सबसे अधिक छारी है ठीक है तो हमारे पास एमीन की क्रम का सिंपल सा हमने क्या एक रिलेशन लिखा है एमीन की क्षारियता समानुपाती लोन पेयर की उपलब्धता जो जितने आसानी से लोन पेयर उपलब्ध कराएगा वो उतना अच्छा छार होगा ठीक अगर ये हमारे पास वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री या अमोनिया के जली विलियन के रूप में हमसे क्षारियता क्रम की बात कही जा रही है तो हमें वहाँ पर सिंपल सा उसका अल्काइल ग्रुप चेक करना है अगर हमारा अल्काइल मेथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर टू डिग्री सबसे ज़्यादा फिर वन डिग्री फिर थ्री डिग्री देन अमोनिया अगर आर हमारा मिथाइल ग्रुप है तो आर अगर हमारा इथाइल ग्रुप है तो ये ऑर्डर बनेगा टू डिग्री थ्री डिग्री वन डिग्री देन अमोनिया तो अब हमारे पास उसके आधार पर यहां पर क्या हम देख पा रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप ग्रुप को अल्काइल के जली के रूप में हमारे लिए दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है क्या सेकेंडरी अमाइंस सबसे ज्यादा छारी होगा ठीक अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है द पॉइंट डिफेक्ट बिच डिक्रीज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज कौन सा प्रोटी है जो हमारे मॉलिक्यूल के घनत्व को कम कर देता है तो हम सब ने पढ़ रखा है सॉटकी दोष हमारा एक ऐसा दोष है जहाँ पर एक सॉलिड क्रिस्टल से एक धन ऋण अपनी स्थिति को छोड़ देते हैं अर्थात ये अपने अंतराकाशी स्थान से अलग हो जाते हैं जिसके कारण हमारे कणों की संख्या में कमी आती है अर्थात डेंसिटी कम हो जाती है तो हमारे पास घनत्व को कम करने वाला दोष कौन सा है तो शॉर्ट की डिफेक्ट है ठीक अगला अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखें तो एक बार फिर से हमारे पास सही मेज द कॉलम हमें यहाँ पर चूज करना है तो आइए क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या यहां पर निकल और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका हमें सही ज्योमेट्री डिफाइन करना है ठीक तो निकल के साथ सी एल फोर अर्थात है यहाँ पर अगर मैं निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू तो निकल टू प्लस होता है और निकल टू प्लस का अगर मैं करेक्ट कॉन्फिग्रेशन बनाऊं तो आर्गन यहाँ पर हो जाएगा आपके पास थ्री डी कितना भाई साहब एट और थ्री डी एट के आठ इलेक्ट्रॉन को जब आप इस तरीके से अरेंज करेंगे तो इस तरीके का आपका अरेंजमेंट रहेगा वीक आपका फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी आपको अगले चार ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज़ कर लेना है मतलब यहाँ पर आपका एस हाइब्रिडाइजेशन थ्री होगा और आपका यहाँ पर क्या वीक फील्ड लिगेंड है तो एस थ्री के लिए जो जोमेट्री होगी क्या वो चतुष्फल होगी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है तो इसका करेक्ट आंसर अनुचुंबकी हो जाएगा ठीक अब यही निकल के साथ क्या एक बार फिर से हमारा निकल टू प्लस आया है और यहाँ पर आर्गन है और यहाँ पर कितना है थ्री डी एट क्लियर अब हमको चेक करना है यहाँ पर थ्री डी एट के लिए क्या क्या चेंज आएगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें थ्री डी एट की तो आप चेक करेंगे यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी पेरिंग हो जाएगी तो हमारे पास इसके लिए जो है क्या यहाँ पर एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा डी एस पी टू हो जाएगा क्या हो जाएगा डी एस पी टू अब डी एस पी टू हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारे पास इसकी जो जोमेट्री बनेगी वो वर्ग समतली बनेगी अब सी ओ सी एल सिक्स सिंपल है यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट थ्री प्लस है और यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट कॉन्फिग्रेशन आर्गन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या थ्री डी सिक्स और हमारा वीक फील्डेंड है तो अगले हम क्या सिक्स ऑर्बिटल लेकर इसका निकालेंगे तो sp3 d2 आएगा जिसका टू हो जाएगा सेट्रल ठीक तो हमारे पास लास्ट जो मेज बच रहा है वो निकल co4 फोर के लिए क्या चतुष्फल की जामिति परंतु प्रति क्योंकि हमारा co एक कैसा लिगेंड है तो यहां पर हमारा निकल क्या 28 इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा और इसके फोरेस इलेक्ट्रॉन को हम पेयर्ड कर क्या यहां पर sp3 संकरण पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए यहाँ पर नेचर क्या हो जाएगा प्रति तो इस मेज को चेक कर लेते हैं ए का सही मिला वी के अंदर है जो कि एक ही ऑप्शन में सही दिख रहा है हमारा बी का थर्ड हो रहा है और सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट ठीक अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहां पर नीचे एस एन वन अभिक्रिया के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं सही कथन बताना है तो एस एन अभिक्रिया सामान्यतः क्या पोलर सॉल्वेंट के साथ होती है बिल्कुल यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है जो अभिक्रिया में बने धनायन ऋणायन को उदासीन करने में मदद करता है ठीक यहां पर एस एन वन अभिक्रिया दो चरण में होती है बिल्कुल इसका दो स्टेप होता है फर्स्ट में कार्बकेटाइन सेकेंड में हम न्यूक्लियोफाइल अटैक कर प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक हलाइड एस एन वन अभिक्रिया के प्रति उच्च अभिक्रियाशील होते हैं बिल्कुल इस रिएक्शन के लिए हमारा एलाइलिक और बेंजाइलिक जो है क्या कार्बकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है कारण है रिजोनेंस ठीक इस रिएक्शन के लिए हमारा इंटरमीडिएट क्या कार्ब धनायन होता है और स्टेबल जहां बनेगा वहां पर ये बहुत ज्यादा क्या हमें रिएक्टिव मिलने वाली है लास्ट देखें तो हमारे पास एल्किल एस एन वन अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम बिल्कुल गलत है ये वाला स्टेटमेंट क्योंकि हमने अभी कहा कि इस एस एन वन रिएक्शन के अंदर हमारा कार्बकेटाइन इंटरमीडिएट होता है जिसकी स्टेबिलिटी जिस अल्काइल हलाइड के लिए ज्यादा वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब थ्री डिग्री ज्यादा फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री जो कि इस ऑर्डर के लिए गलत है तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है ए बी सी तो ए बी सी आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है क्लियर यहाँ पर हम ए बी सी के साथ आगे बढ़कर अगला क्वेश्चन देखें तो देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास एक बार फिर से अल्फा अमीनो अम्ल तो ये अल्फा अमीनो अम्ल हमारा प्रोटीन का एक लक यूनिट होता है जिसके लिए अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आर एच यहाँ पर अमीनो समूह और यहां पर होता है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह ये हमारा अल्फा पोजिशन पर अमीनो लेफ्ट हमारा एल विन्यास अमीनो एसिड होता है ठीक अब यहां पर हमारा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट कौन सा रॉन्ग है उसको चूज करना है तो प्रकृति में उदासीन अम्ली छारी होते हैं बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक दुर्बल अम्ल है जो अम्ली स्वभाव देगा एक दुर्बल छार समूह है जो कि छारी स्वभाव देगा अगर हम इसको जल के अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास दोनों ही प्रभाव दर्शाएगा अर्थात ये हमारे लिए एक उदासीन क्या पदार्थ के रूप में भी काम कर सकता है अब मैं बात करूं अगर हम इसको जली विलियन के साथ देखें तो हमारे पास ये जो अपना एसिडिक नेचर शो करते हुए अपना H प्लस डोनेट कर अपना ऋणायन फॉर्म करेगा और एक बेस के पास लोन पेयर है तो जो H प्लस को जोड़कर बनाएगा अर्थात एक द्विध्रुवी आयन प्रोड्यूस होगा जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं ठीक तो हमारे पास यहाँ पर क्या कैन वी एग्जिस्ट इन जुइटर आयन ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है जल और ध्रुवी विलायकों में विलय हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ऐसा कर सकता है ठीक अगला क्या है अंतर परमाणुविक निर्जलन द्वारा ये पेप्टाइड बंद बनाता है अंतर बिल्कुल यहाँ पर अंतर परमाणुविक निर्जलन द्वारा ये पेप्टाइड मतलब जब दो अणु आपस में जुड़ेंगे जल के अणु को विलोपित कर अपना क्या बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल करेक्ट है सभी अमीनो अम्ल ध्रुवण घूर्णक होते हैं ये बात रॉन्ग है क्योंकि ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है यहाँ पर आर के स्थान पर वहाँ पर एच होता है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वहाँ प्रकाशिक सक्रियता नहीं मिलेगी अर्थात हम सभी अमीनो एसिड को प्रकाशिक सक्रिय नहीं कहेंगे तो इसके लिए हमारे पास ये चार स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है ए बी सी डी ठीक ई स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से किसी अभिक्रिया अभिक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कथन सही नहीं है ये चूज करना है तो एक उत्प्रेरक किसी स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया को स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया में परिवर्तित कर सकता है तो ये उत्प्रेरक का कोई वर्क कोई काम नहीं है उत्प्रेरक कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि स्वतः अभिक्रिया को अस्वता या अस्वता को स्वतः कर सके मतलब ये उत्प्रेरक के लिए सही नहीं है फिर हम बात करें एक उत्प्रेरक अभिक्रिया के होने के लिए एक वैकल्पिक पाथ और क्रियाविधि प्रदान करता है बिल्कुल करेक्ट यही उत्प्रेरक का पहला काम है कि किसी भी अभिक्रिया को एक नया पाथ देकर आसानी से कम टेम्परेचर पर ठीक अगला रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपभोग हो जाता है बिल्कुल गलत है रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी उत्प्रेरक का उपयोग उपभोग नहीं होता ये केवल अपनी उपस्थिति देकर अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में मदद करता है ये खुद अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं नेक्स्ट टाइम अभिक्रिया के लिए पुनः उपलब्ध रहते हैं तो यहाँ पर अगला क्या है किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक का संकलन अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया दोनों में समान रूप से उत्प्रेरित होता है अतः साम्य स्थिरांक मान प्रभावित नहीं होता तो ये भी हमारा उत्प्रेरक का बिल्कुल करेक्ट सही स्टेटमेंट है कि उत्प्रेरक जो है साम्य अभिक्रिया के लिए दोनों को एक समान रूप से प्रभावित करते हैं और साम्य को स्थापित करने में मदद करते हैं तो हमारे पास इसका जो सही नहीं है वो है वो ए और सी अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट है अगला देखें तो अगला हमारे पास एम जी सी एल टू का तीन सौ सेकेंड के लिए हमारे पास एम्पियर पर धारा दी गई है विद्युत अवघटित किया जाए तो कैथोड पर निक्षेपित मैग्नीशियम का द्रव्यमान का सही क्रम क्या होगा यह हमारे लिए इसका क्वेश्चन है ठीक तो आइए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ के लिए फॉर्मूला है W इक्वल टू जेड आई टी जेड हमारे पास क्या है तो ये होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको हम कैसे निकालते हैं भाई Z को कैसे निकालते हैं पदार्थ का तुल्यांक भार अपॉन फेराडे कांस्टेंट तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार अगर हम देखें तो कितना होता है ट्वेल्व होता है ठीक यहाँ पर नाइन सिक्स फाइव जीरो कर दो आई कितना दिया है भाई साहब एम्पियर में हमारे पास वन एम्पियर है और टाइम कितना दिया है भाई साहब तो तीन सौ सेकेंड है अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका एकदम यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद जो आंसर बनेगा जीरो पॉइंट थ्री सेवन ग्राम होगा जो कि आपके सी ऑप्शन में करेक्ट है ठीक अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन किसके उपचार द्वारा विरेचित किया जाता है तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम नाइट्राइड से ठीक भाई साहब तो यहाँ पर हो जाता है आपका अमोनियम नाइट्राइड अमोनियम नाइट्राइड और यहाँ से एन बाहर हो जाता है जब हम इस अमोनियम नाइट्राइड को क्या करते हैं गर्म तो यहां से हमारा N2 और 2S2 एस अलग हो जाता है मतलब हमें N2 को बनाने के लिए किन-किन लोगों की अभिक्रिया कर ये काम करना है तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड की क्रिया से हम इस तरीके से N2 को अलग करते हैं तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो सरफेस केमिस्ट्री से है जहां पर हमारे कुछ कोलाइट तंत्र के एग्जाम्पल को सही मैच देना है तो हमारे पास जेल जेल क्या होता है भाई साहब तो जेल है पनीर जिसमें हमारे पास क्या ठोस ज्यादा द्रव कम इमल्सन द्रव द्रव का हमारा कोलाइट तंत्र है जो कि बटर सॉल हमारे पास द्रव ज्यादा ठोस कम तो पेंट और फोम के लिए विब्ड क्रीम तो मैच कर लीजिए ए का सही आंसर जो है थर्ड है ए का थर्ड हमारे पास बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड तो करेक्ट आंसर हो गया सी अगला देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यदि NH4OH का हमें किसी सांद्रता पर मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया गया है 11.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स है तो इसका मात्रा निकालना है जबकि अनंत अनुता पर आयनों की मोलर कंडक्टिविटी दी गई हो तो बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है भाई साहब यहाँ पर हम लोग अल्फा किसी सांद्रता पर मोलर कंडक्टिविटी और अनंत अनुता पर मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऊपर क्या ले लेते हैं ये दिया गया मान इलेवन पॉइंट फाइव हमारे पास ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स अब अनंत अनुता पर पहले हम काउंट कर लेते हैं कैसे तो यहाँ पर हमारे पास अनंत अनुता पर जो मोलर कंडक्टिव है दोनों आयनों की मोलर कंडक्टिविटी का योग माना जाता है तो इसको प्लस करके आप यहां से निकाल सकते हैं तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो 73.4 यहाँ यहां पर और यहां पर हो जाएगा 197.6 तो ऐड कर लेते हैं यहां पर हो जाएगा जीरो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एट नाइन और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको एड कर लेते हैं थोड़ा समय इधर है ना यहाँ पर हमारा जीरो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 73 को इसके साथ ऐड कर दो 197 के साथ तो 200 और 200 के साथ ये हो गया हमारा 274 274 हमारा आंसर हो गया यहाँ पर इनका जोड़ हो गया टू सेवेंटी फोर ठीक अब यहां पर टू सेवेंटी फोर का आप डिवाइड कर दो ठीक आपका सी वाला आने वाला है ठीक अगला यहां पर हम देखें अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास निम्नलिखित अभिक्रिया में बने उत्पाद की संरचना तो यहां पर हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका हम एसियन से रिएक्शन कर रहे हैं और वो भी एसिडिक मीडियम लेकर तो हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से भी क्या रिएक्शन को सॉल्व किया जा सकता है तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से सबसे पहले बॉन्ड को हम ब्रेकिंग सोचेंगे यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल का क्या सर्वप्रथम अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटेक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी फिर हम बाद में इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्ट पर एड करेंगे तो यहाँ पर हमारा साइनोहाइड्रीन फॉर्म होने वाला है इस रिएक्शन पर सी एस थ्री सी सी एन ओ एच एच ये हमारा क्या रिएक्शन का एडिशन प्रोडक्ट होगा जो कि क्या हमारा सी ऑप्शन में है जो कि एक साइनोहाइड्रीन है अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइट तंत्र नहीं है तो कोलाइट तंत्र मिल्क हमारा इमल्शन एग्जाम्पल है भी हमारा इमल्शन एग्जाम्पल है बादल हमारा क्या जो है लिक्विड एरोसॉल है बट नींबू पानी कोई भी हमारा कोलाइड तंत्र का एग्जाम्पल नहीं है मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या डी है अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या यहाँ पर एक आई पी नेमिंग पर आधारित क्वेश्चन है तो हमारे पास यहाँ पर टू टाइप के क्या फंक्शनल ग्रुप है जिसमें अगर हम बात करें प्रायोरिटी के बेस पर तो ये पी हो जाएगा और ये हमारे सब्सिट्यूएंट हो जाएंगे तो ये हमारी पी का ऑर्डर और पी का नेमिंग के लिए अंकन हम यहाँ से वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो सबसे पहले हम सब्सटिट्यूएंट के नाम दे देते हैं जो कि कहाँ थ्री फोर एंड फाइव तो क्या हो जाएगा थ्री फोर फाइव और हो जाएगा हाइड्रोक्सी ठीक क्योंकि इनका हम पूर्व लग्न लिखेंगे और पांच कार्बन की पीसीसी है तो पेंट लिखेंगे और वन क्या लिख देंगे अल तो हमारे पास इसका करेक्ट नाम हो जाएगा थ्री फोर ट्राई हाइड्रोक्सी वन पेंटे नल वन पेंटे नल तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इसका करेक्ट जो नेम है वो क्या हमारा ए ऑप्शन में दिया है यहाँ पर थ्री फोर फाइव ट्राईहाइड्रोक्सी पेंटे ठीक अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन एक अनसेज पेसेज टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें एक रिएक्शन दी गई है इसके बेस्ड पर हमारे बाकी क्वेश्चन जो आएंगे उनके आंसर हमें देना है तो आइए चेक करते हैं हमारे पास रीड द पेसेज लो द आंसर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाइड्रोकार्बन फंक्शनल आइसोम ऑफ अल्कोहल इथर कैन बी प्रिपेड ठीक तो आइए हम लोग अब इसके क्वेश्चन की बात करते हैं ये हाँ हमारे पास इसका हिंदी ट्रांसलेट दिया है तो आइए अपन इसके क्वेश्चन पर चलते हैं तो हमारे पास इसका क्वेश्चन जो है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक सम्मित ईथर है तो सम्मित ईथर कब कहेंगे जब आर ओ आर डेस में ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या इक्वल हो मतलब हमारा सम्मित ईथर होगा और अगर आर आर डेस नॉट इक्वल टू है तो असम्मित ये हो गया हमारा सम्मित ईथर और ये हमारा हो जाता है क्या असम्मित ईथर सममित इथर क्लियर तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं यहां पर दोनों अल्काइल ग्रुप नंबर से कार्बन से अलग है यहां पर देखें तो दोनों तरफ सेम नंबर का अल्काइल ग्रुप है ये हो गया हमारा सम्मित इथर यहां चेक कर सकते हो दो और तीन असमित एक और तीन असम्मित अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच का एक प्रकारात्मक या कहें कि फंक्शनल आइसोमर है तो हम सब जानते हैं कि अल्कोहल इथर का क्रियात्मक समाव है पर कौन से इथर से जिसका मोलिकुलर मास सेम हो तो यहाँ पर हमारे पास सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच ठीक तो सी थ्री हम फाइव सेवन एट यहाँ पर सी थ्री एच एट ओ जिस भी ईथर का मोलिकुलर फॉर्मूला होगा क्या वो हमारे लिए अल्कोहल का क्रियात्मक समाव होगा तो एन प्रोपिल एन प्रोपिल ईथर है तो एथिल हो गया और एन प्रोपिल तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला अलग है मतलब ये ईथर अल्कोहल का समाव नहीं है हमारे पास है आइसोप्रोपिल अल्कोहल तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्रियात्मक समूह पूछा गया है तो अल्कोहल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह नहीं होता एथिल मेथिल, इथर, तो एथिल मेथिल मेथिल तो के लिए ये करेक्ट हमारा स्ट्रक्चर है तो आप चेक कर सकते हो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो रहा है सी थ्री एट ओ और दोनों ही क्या क्रियात्मक समूह से अलग है मतलब ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डायथिलथर की बात करूं तो नंबर ऑफ कार्बन चार हो चुका है जो कि दिए गए एल्कोहल से ज्यादा है मतलब इस तरह के दो कंपाउंड आपस में समावे नहीं हो सकते अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ हमारे पास निम्नलिखित अभिक्रिया में बना उत्पाद तो यहाँ से हलाइड यहां से सोडियम यहां से सोडियम ब्रोमाइड अलग होगा दोनों को आपस में हम जोड़कर क्या यहां पर इथर फॉर्म करने वाले हैं ठीक वन टू थ्री तो वन टू थ्री इस साइड पर वन टू थ्री इस साइड पर वन टू थ्री तो आप चेक कर लो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर क्या इस तरह का हमारा प्रोडक्ट है सॉरी यहां पर एक कार्बन और आगे बढ़ाएं क्योंकि वन टू थ्री एंड फोर तो इस साइड पर फोर कार्बन इस साइड पर थ्री तो चेक करेंगे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री मतलब ये करेक्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है इसका सही आंसर जो है वो है बी क्लियर अगला अगला देखें तो हमारे पास मिथॉक्सी यहाँ पर क्या बेंजीन है जिसका एसिटिल क्लोराइड से हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास जो ये मिथॉक्सी ग्रुप है क्या ये एक सक्रियण ग्रुप है अब सक्रियण ग्रुप है इससे हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इन अर्थोपेरा पोजिशन पर बढ़ जाएगा हमने रिएक्शन किसकी कराई यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड की अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो सी एस थ्री सी ओ होगा जिसका अटैक क्या दो पोजिशन पर हमें मिलने वाला है अगर मैं देखूँ तो एक इसका क्या होने वाला है यहाँ पर अर्थो सब्सटीट्यूटिंग प्रोडक्ट होगा जो कि क्या कुछ इस तरह का होगा सेकंड हमारे पास क्या इस मेथोक्सी ग्रुप के साथ जो सब्सिट्यूशन मिलेगा वो पेरा पोजीशन पर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर दूरी पास है रिपल्शन ज्यादा होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है रिपल्शन कम है मतलब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा तो इस रिएक्शन का जो हमारा करेक्ट प्रोडक्ट होगा क्या वो पेरा पोजिशन वाले स्थिति के लिए होगा जो कि हमारे पास डी में करेक्ट है ठीक अगला देखें अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित योगी का सही आई नाम और वर्ग बताएं तो हमारे पास भाई जो भी क्या इथर है आर ओ ग्रुप उसको हम ऑलवेज सब्सटीट्यूंट के रूप में यूज करते हैं मतलब उसका लिखते हैं एल्कोक्सी और उसके दूसरे एंड पर लगे नंबर ऑफ कार्बन की अधिक चेन का बनाते हैं पीसीसी तो ये हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन हमारे पास क्या हो गया इस पार्ट का इथॉक्सी और इतने पार्ट का बेंजीन और ये कैसा इथर है मिश्रित क्योंकि इसके दोनों एंड अलग अलग है तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है डी ठीक आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला जो पेसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी का पेसेज है और आपसे मेरा यहाँ से एक निवेदन है कि कभी कभी पैसेज ऐसा भी आ सकता है कि आपको उसी पैसेज के अंदर सारे आंसर मिल जाए आपके दिए गए क्वेश्चन के और ऐसा करने के लिए आप एक दो क्वेश्चन को आपके दिए गए पैसेज को पढ़कर चेक कर ले तो आपको इतना आसान इन प्रश्नों के लिए हो जाएगा कि यहाँ से आपके पांच क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएंगे ऐसा ही हमारे पास दिया गया पैसेज है इसके पैसेज से ही सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे मैं आपको इस वीडियो के अंदर अभी बताने जा रहा हूं मतलब आप पैसेज पढ़ेंगे हर पैसेज का स्टेटमेंट आपका एक क्वेश्चन का आंसर है है आइए चेक करते हैं तो हमारे पास यहां पर एक पैसेज दिया गया है, इसका मैं हिंदी ट्रांसलेट आपको पढ़ देता हूँ तो यहाँ पर दिया है किसी भी विधि द्वारा निष्कर्षण के प्राप्त धातुओं सामान्य रूप से कुछ अशुद्धियां मिलाई रहती है तो धातु को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग में लाई जाती है आसवन यह विधि कम कोथलांग वाली धातुओं जैसे जिंक के लिए उपयोगी होती है उदाहरण के लिए अशुद्ध जिंक धातु का वास्पीकृत किया जाता है ठीक अब द्रवलांक परिष्करण यहाँ पर कम गलनांग वाली धातु जैसे टीन के उपयोगी होती है जिन्हें ढालू सतह पर बहने दिया जाता है और इस प्रकार से अधिक गलनांग वाली अशुद्धियों को अलग किया जाता है मतलब गलनांग के बेस्ट पर अलग होता है यहाँ पर कोथनांग के बेस्ट पर अलग होता है विद्युत अपघटनी इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं शुद्ध धातु को केथोड बनाते हैं और इस तरीके से हम एक विद्युत अपघटनी विधि पात्र में रखकर इस शुद्धिकरण का काम करते हैं मंडल परिष्करण ये सबसे शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि अशुद्धियों को विलयता धातु की ठोस अवस्था में अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है इसमें गतिशीलता तपक का उपयोग किया जाता है गलित मंडल तपक के साथ आगे बढ़ता जाता है शुद्ध धातु पीछे रह जाती है अति उच्च शुद्धता वाली धातुओं को उदाहरण के लिए सिलिकॉन अर्धचालकों का उपयोग होता है इस प्रक्रिया द्वारा शोधित किया जाता है वाष्प इस विधि में धातु वाष्पशील यौगिकों को परिवर्तित किया जाता है जिससे पृथक एकत्रित और विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त उदाहरण के लिए निकल का शोधन मंडल परिष्करण द्वारा किया जाता है लेखी यह विधि यौगिक स्पर्शी अधिशोषण की मात्राओं में भिन्नता पर आधारित है तो यह सारा आपको अब देखो मैं कैसे क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते समय उपयोग करना है बताता हूं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास नीचे चार धातुएं ए बी सी डी उनके कोथनांक के साथ दी गई है वह धातु जो आसानी से आसवन विधि द्वारा शोधित की जा सकती है तो देखो यह विधि कम कोथनांक वाली धातुओं जैसे जिंक के लिए उपयोगी होती है उदाहरण के लिए अशुद्ध जिंक धातु को वाष्पीकृत किया जाता है मतलब कम आपको गलन कम कोथनांक तो कम कोथनांक देखोगे तो आपको दिख जाएगा सी ऑप्शन में कम कोथनांक वाली धातुओं को क्या हम इस शुद्धिकरण के लिए उपयोग में लाते हैं तो अपना पहला क्या जो पेसेज का पॉइंट है उससे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगला देखें अगला क्या है धातुओं के शोधन के द्रवलांग परिष्करण विधि में धातु का गलनांक तो देखेंगे यहां पर कम गलनांक वाली धातु ठीक जैसे तीन को अधिक गलनांक वाली अशुद्धि अधिक गलनांक वाली अशुद्धि तो अशुद्धि का गलनांक क्या हो जाएगा उच्च और धातु का गलनांक क्या हो जाएगा निम्न जो कि हमारे पेसेज में दिया है निम्न गलनांक वाली धातु होती है उच्च गलनांक वाली क्या होती है अशुद्धि जिसको क्या हम शुद्ध करने के लिए इस तरह से इस विधि का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी जो कि मैंने पेसेज के पॉइंट से ही आपको सॉल्व कराया अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कॉपर का विद्युत अपघटन शोधन किया जाता है इस प्रक्रिया में प्रयुक्त एनोड और कैथोड क्रम सह होता है तो आइए पेसेज का पॉइंट उठाते हैं विद्युत अपघटन परिष्करण में इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड अशुद्ध धातु का क्या एनोड होता है ठीक है फिर शुद्ध धातु का क्या होता है कैथोड तो अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड तो आइए देख ले तो प्रयुक्त एनोड क्या हम लेने वाले हैं अशुद्ध धातु का एनोड मतलब अशुद्ध कॉपर हो गया और केथोड शुद्ध धातु का तो शुद्ध कॉपर का केथोड हो गया जो कि आपके पैसेज में ही दिया रखा है अगला आ जाओ यहां पर हमारे पास जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम का मंडल परिष्करण द्वारा शोधन किया जाता है इस विधि में शुद्ध होता है तो यहां पर आप देखोगे तो आपको फिर से इसमें गतिशील तपक का उपयोग किया जाता है गलित मंडल गलित मंडल में तपक के साथ क्या हमारे आगे बढ़ने पर शुद्ध धातु पीछे रहती जाती है तो ये हमारे पास क्या यहाँ पर गलित मंडल जो है क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलित मंडल इन मोल्टन जोन में क्या हमारी अशुद्धियां अलग होकर शुद्ध धातु मिलता जाएगा अगला देखें तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है निकल के शोधन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि जैसे कि हमारे पैसेज में दे रखा है कि निकल के शोधन के लिए हम क्या उस विधि का उपयोग करते हैं जहाँ पर हम इसको वास्प में परिवर्तित कर क्या हमारी इंप्यूरिटीज को अलग कर वाष्पशील पदार्थ बनाकर हम शुद्धिकरण को प्राप्त करते हैं तो ऐसा हम लोग हमारे पैसेज के हिसाब से देखें तो वेपर फेस रिफाइनिंग वास्प प्रवस्था का परिष्करण है जो निकल के शुद्धिकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है जो कि हमारे पास पेसेज में डायरेक्ट दे रखा है ठीक तो इस तरीके से हम लोग ने यहां पर कंप्लीट हमारे इस पूरे जो केमिस्ट्री का पेपर है सॉल्यूशन देखा तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद